हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गौतम। आई एम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम एंशियंट इंडियन मेडिटेशन। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगिनर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ABCD क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स हैं, और उन लोगों के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल ये है कि भैया द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो बहुत फिलोसॉफिकल भाषा में आपको एक अच्छा खासा लेक्चर दे सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं, यहाँ से आया था। लेकिन ये चीज़ कहने से आपको आपके मन के अंदर जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप लोग बस इतना समझ लीजिए, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विश्वास है, एक भरोसा है। विश्वास है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, भरोसा है, जैसे भरोसा आप भगवान पे करते हैं, बस ये भरोसा है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो चीज़ आप सोचोगे आपके जीवन में उस चीज़ को आकर्षित आप कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ यही दिमाग में डाल दीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है लेकिन एक भरोसा है। अब दूसरा सवाल है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक डिल्यूजन है, या सिर्फ कही सुनी मनगढ़ंत बातें हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं कुछ सुनाना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सवाल का जवाब है, इसके अंदर मिल गया होगा कि भाई जैसी आपकी नजर होगी, जैसी आपकी दृष्टि होगी, वैसी आपको सृष्टि दिखाई देगी। आपका भरोसा ही एक पत्थर को भगवान बनाता है, आपका भरोसा मेन चीज़। अगर आपको भरोसा है कि ये काम करेगा तो खुद भगवान भी नहीं रोक सकते, अगर आपको भरोसा नहीं है कि ये काम करेगा नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दो सवाल हमारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर दोस्तों, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब हमें किस प्रकार से उसे यूज़ करना चाहिए। चलो ये तो समझ लिया कि ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ है, अब इसे हम यूज़ कैसे करें हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए कि हम जो चीज़ चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर पाएं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहला, सबसे ज़रूरी स्टेप है, वो स्टेप है बिलीव, भरोसा करना। क्या आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। एग्जाम्पल, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आएगा कि सर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही जेन्युइन है, इतना ही सारी चीज़ें हैं, तो फिर दुनिया के सारे आदमी अमीर क्यों नहीं है, दुनिया का सारे आदमी खुश क्यों नहीं है, सबको सब कुछ मिल क्यों नहीं जाता। तो उन सबका सिर्फ एक ही जवाब है, भरोसा। दोस्तों, अगर आपको भरोसा है कि आपकी प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगी, आप ये बिलीव कर सकते हो, पचा सकते हो इस बात को, दिमाग में बिठा सकते हो इस बात को। तो अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूँ। आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हो, मैं चाहता हूँ आप अपनी जगह से उठकर उड़ना शुरू कर दें, फ्लाइंग, उड़िए। तो आप बोलोगे सर कैसी मजाक बचकानी बात कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमें कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम उड़ सकते हो, ठीक है। और ये अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप जहाँ भी मुझे देख रहे हो वहाँ से उठ के चलना शुरू कर दो, तो आप ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ शुरुआत से आपको बताई गई है कि हाँ आप चल सकते हो, आपने शुरुआत से ये एक्सपीरियंस किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया जिंदगी में, आपके पास्ट लाइफ में आपने कभी यूज़ नहीं किया, आपके साथ इसने काम नहीं किया, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, गड़बड़ी आप में है, आपकी विचार शक्ति में है, आपकी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, यानी कि जो रॉन्ग बिलीव है उसके अंदर है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने से पहले खुद को बिलीव दिलवाइए कि क्या आप उड़ पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, क्योंकि चलना तो आपने बचपन से सिखा ही है, तो क्या आप उड़ सकते हैं। अगर बिलीव अंदर घुस गया, मजबूत हो गया कि हाँ ये पॉसिबल है, तो दोस्तों जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं इसी के ऊपर कि अब ये बिलीव को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप डायरेक्टली जंप करें उससे पहले मैं सिर्फ दो एडवाइस आपको करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़,
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप नए नए हैं या नए नए नहीं है फिर भी बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं, तो खुद के भरोसे के लिए शुरुआत कीजिए किसी छोटी चीज़ से। कोई छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं तो मैं कहूँगा शुरुआत 1,000 रुपये से करिए। अगर आपको कोई पर्सनल लाइफ में लाना है, अट्रैक्ट करना है, तो शुरुआत एक मैसेज से कीजिए, कुछ भी एक साइन से कीजिए, छोटी चीज़। ताकि, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जब जिम जाते हो या कोई भी चीज़ पहली बार करते हो, तो दोस्तों सीधी सी बात है, पहली बार में ही आप पारंगत नहीं बन जाते, पहली बार में उसके मास्टर नहीं बन जाते। धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो आप खुद को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा के स्ट्रांग बना सकते हो उस चीज़ के लिए। यानी कि पहली चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कोई भी छोटी चीज़ से शुरुआत करनी है आपको, उसके बाद आप बड़ी चीज़ पर जाके जंप मारेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कौन सी है, कौन सी बेहतर है, कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों कोई टेक्निक आपके लिए अभी बेटर नहीं है। क्यों बेटर नहीं है? क्योंकि अभी आपने जस्ट शुरू किया है। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करवानी है। अभी ट्रेनिंग कैसे होगी दोस्तों? कितने सारे रॉन्ग बिलीव होंगे, चाहे आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गाड़ी, पैसा, बंगला, प्यार, कोई भी चीज़, घर मतलब पैसों के लिए। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। असल बात यह है कि पैसा ना होना सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। प्यार के लिए, जैसे हमारे इंडिया में आप सब जानते हो, लव मैरिज हमेशा काम नहीं करती, इट फेल्स, कास्ट डिफरेंस है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे रॉन्ग बिलीव्स बचपन से आपके दिमाग में डले हुए हैं। डायरेक्टली ये फोकस मत करो कि 28 दिन तक मुझे क्या करना है रिप्रोग्राम करने के लिए। एक एक दिनों पे फोकस करो, आज के दिन मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा। और जैसे कि जो रॉन्ग बिलीव्स हैं आपको, चाहे कोई भी आप मैनिफेस्ट, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप रॉन्ग बिलीव्स पे फोकस मत करो, आप पॉजिटिव वन पे फोकस करो। यानी कि मैं कर सकता हूँ, ये पहला स्टेप है, मैं कर सकता हूँ। तो जो आपको इंस्पायर करे वो चीज़ें सुनिए, उस चीज़ को देखिए। दिन की बात कर रहा हूँ, रात को विजुलाइजेशन टेक्निक यूज़ कीजिए। विजुलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जान है। सबसे बड़ा एक कहते हैं ना की एस्पेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो विजुलाइजेशन है। वीडियो प्लस ऑडियो इज इक्वल टू विजुलाइजेशन। यानी जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो आपके पॉजिटिव बिलीव्स हैं, उसके बारे में विजुलाइज कीजिए रात को सोने से पहले। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके ऊपर मैं इसी हफ्ते में एक वीडियो ले आऊँगा, प्रॉपर वीडियो, लेकिन अभी बस यहाँ इसको छोड़ूंगा, क्योंकि अगर इसको मैंने कवर किया तो बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो छूट जाएंगे। तो ये एक सीरीज की तरह ही होगा, वेट कीजिएगा उस टॉपिक के लिए। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई आपकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़ बिलीफ, दूसरी चीज़ छोटी चीज़ से शुरू कीजिए, और तीसरी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस कीजिए। किसी टेक्निक पे अभी फोकस मत कीजिए, ये भाई साहब कंट्रोल में होंगे तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे आप। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा है स्पिरिचुअल बैलेंस से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा है आपकी वाइब्रेशन से, जो थॉट की वाइब्रेशन है उनसे। तो इसे कैसे मेंटेन करना चाहिए दोस्तों? इसके लिए बहुत सारी कही सुनी टेक्निक्स हैं। ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, हर जगह हर आदमी ग्रेटिट्यूड पेश नहीं कर सकता, लेकिन किन किन जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बाण, मतलब वो कहते हैं ना बाण तोड़ इलाज कहते हैं, कौन सा इलाज कहते हैं, रामबाण इलाज, जी रामबाण इलाज मैं देने वाला हूँ आपको, कि आपका जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे आप मेंटेन कर सकते हो बिना इंटेंशनली कि मुझे मेंटेन करनी है। दोस्तों पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड कैसे पेश करना है, उसके लिए टेक्निक तो यूज़ कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ को ऐड कर दीजिएगा, हफ्ते में एक दिन या दो दिन हो सके तो आप मंदिर जाना शुरू कीजिए। अगर आप हिंदू रिलीजन में मानते हैं, फॉलो करते हैं, आप मंदिर जाइए। आप नॉन हिंदू रिलीजन में हो, किसी और रिलीजन में हो, तो आप मस्जिद जाइए, आप चर्च जाइए। यानी कि आप भगवान से जितने, यानी कि यूनिवर्स से, परम शक्ति से जितना कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। अब देखिए दोस्तों, वो परम पिता परमेश्वर है, उनका दिल बहुत बड़ा है। वैसे तो हमें उनकी याद आती नहीं है, लेकिन जब परेशान होते हैं तभी हमें उनकी याद आती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि मुझे परेशानी होगी तभी तुम नहीं, तुम्हें परेशानी होगी तभी याद करो तो ही हेल्प करूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप वीक में एटलीस्ट दो दिन ये हैबिट डेवलप कीजिए। सोमवार है, महादेव जी आपके, महादेव को फॉलो करते हैं, महादेव के मंदिर जाइए। गुरुवार है, साईं बाबा को मानते हो, साईं बाबा के मंदिर जाइए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाइए, राधा कृष्ण के मंदिर जाइए, लेकिन मंदिर जाइए। अब बात आती है वहाँ जाके क्या करना है दोस्तों, वहाँ जाके कुछ नहीं करना दोस्तों। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप कुछ भी इंटेंशन लेके मत जाइए वहाँ पे, आप सिर्फ जाइए आधा घंटा, सिर्फ बैठने के लिए जाइए वहाँ पे। क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्थान होता है, वहाँ पे जाके ऑटोमेटिक एक बर्डन यहाँ से कम हो रहा है आप महसूस कर पाएंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए जाने की, वहाँ जाके ये मत कीजिए कि मैं इसलिए आया हूँ उसलिए आया हूँ, बस जाइए। आप खुद के लिए जा रहे हो, आपकी सिचुएशन सुधारने के लिए जा रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब दोस्तों ये तो सारी बात हो गई क्या करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करने से पहले, अब फटाफट से बात कर लेते हैं क्या नहीं करना है दोस्तों।
बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा जो नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, जल्दी नहीं करनी है। कि ये हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा ही नहीं हो रहा, क्योंकि जल्दी का काम है वो शैतान का काम है, तो जल्दी नहीं करनी है। होगा दोस्तों, अगर आपने अभी अभी शुरू किया है, और जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि पास्ट एक्सपीरियंस में जो चीज़ नहीं हुई है, आप ये बिलीव कर चुके हो कि अभी भी नहीं होगी, लेकिन उसे चेंज होने में टाइम लगेगा, तो जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, नेवर गिव अप, बस ये दो चीज़ आप दिमाग में रख लो, दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में ये मैंने ओवरव्यू बताया है, ये जो वीक वाले वीडियो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो जो टॉपिक हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैं उनको कवर करूंगा, जैसे विजुअलाइजेशन के बारे में। दूसरी बात, ये जो जल्दी मचती है, हमें एकदम जल्दी आ जाती है क्या करना है क्या करना है, इसके लिए भी वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। वाइब्रेशन के लिए जैसे मैंने बताया मंदिर वाली चीज़, उसके लिए भी है। तो टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, आज सिर्फ मैंने समराइज करके आपको बताया है। तो वेट कीजिएगा, सबके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो लाऊंगा, ताकि कोई भी टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक मिस ना हो जाए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में यही चीज़ है जो सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, आपके काम का होगा। अगर काम का है, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको क्या पसंद नहीं आया है। अगले वीडियो में मैं उसे ज़रूर से इम्प्रूव करूँगा। जो श्रोतागण, जो दर्शकगण मुझे पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी बात पसंद आई है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारी एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं और आप इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सो बस दोस्तों, मैं हूं आपका गुरु, आपका मेंटोर ऋषभ गौतम। आप सभी श्रोतागणों से मैं आज्ञा लेता हूं, अनुमति लेता हूं, आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।